अरे अजय भाई, पॉजिटिव तो आपने बता दिए नाइन टॉक के, नेगेटिव तो बता दो। चलो मैं आपको पांच मेजर इसके नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। पहला, ये देख सकते हो आप, टीवीएस का दिया हुआ हेलमेट है। कहने को तो इसका बूट स्पेस बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे हेलमेट देखो, ये क्या मजाक है यार। टीवीएस वालों को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ी डेप्थ भी बढ़ा लो। लेंथ तो ठीक है, थोड़ी डेप्थ बढ़ा लो इसकी। दूसरा, इसका मेजर जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका रियर ब्रेक। फ्रंट ब्रेक बहुत ही अच्छा है, रियर ब्रेक क्या है, ये क्लच, मुझे तो क्लच लगता है ना ही अप्लाई होता ना ही कुछ है, मतलब बहुत खत्म पावर है इसकी। तीसरा, इसका क्या है कि मतलब इसका स्टिफ सस्पेंशन है, माना कि मतलब स्पोर्ट्स स्कूटर है तो स्टिफ सस्पेंशन होना बनता है, लेकिन इंडियन रोड के हिसाब से उन्होंने बहुत ज्यादा स्टिफ दे रखा है। अगला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बड़ा बेकार, मतलब बिल्कुल ऐसी बात है कि आप आगे नहीं बैठोगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे पीछे बैठोगे थोड़ा सा, तो आपको लगेगा कि आपका इतना स्पेस खाली जा रहा है। पहले हमें शिकायत करता है कि भाई जो तुम्हारी स्कूटी का स्पेस बहुत बेकार है। लास्ट जो नेगेटिव पॉइंट जो इसका और स्कूटी में आप सेंटर स्टैंड का देखते हो, उसकी प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी होती है, मतलब आप इजीली यहाँ पे दबा के आप ये कर सकते हो, तो इतने में स्कूटी को आ जाना चाहिए पीछे अपने आप। लेकिन इसमें क्या है, आपको इतना तो उठाना ही है, फिर पीछे वाला खींचना है इसको, ये तो इसमें आपकी बहुत जान लगने वाली है।